एवरीवन, दिस इज मी साजिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिकर एक रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि बाकी का जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये रीडिंग बेसिकली मैं सारे साइन की करूँगी, लेकिन जैसे ही मेरे इंग्लिश चैनल की रीडिंग सारी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद, तो अभी आई विल ट्राई कि आज मैं सारी कंप्लीट कर दूँ इंग्लिश चैनल की, ताकि मैं कल से आप लोगों के लिए बनाना शुरू करूँ। बट इट कैन टेक 2 दिन, तो आपको शायद वेट करना पड़े। सो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से एक पिक आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि आपकी लाइफ में बाकी के महीने में क्या चलने वाला है। मेरे पास यहाँ पे 2 डेक हैं, डेक 1, डेक 2। आप इनसे भी चूज़ कर सकते हो, येलो फ्लावर एंड देन पिंक कैंडल। सो आप इन दो चीज़ों के हिसाब से जाना चाहते हो, डेक चूज़ करना चाहते हो, आप इनके साथ भी कर सकते हो, और अदरवाइज डेक 1, डेक 2 के हिसाब से भी आप डेक चूज़ कर सकते हो। रीडिंग्स शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करूँगी। एक, जो लोग पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में चाहते हैं कि वो रीडिंग मेरे से परचेज़ करें, तो आपके लिए पाकिस्तान व्यूअर्स के लिए पेमेंट मोड जो है वो इजी पैसा के थ्रू आप अब कर सकते हो। रीडिंग बुक कराने का तरीका ये होगा कि आप जो भी सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो पहले, और उसके बाद मुझे रीच आउट करो ईमेल आईडी पे, और ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं कि कौन सी रीडिंग कितने पैसों में आप अवेल कर सकते हो पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप पहले सर्विसेज में से चूज़ करो जो भी आपको चाहिए, देन मुझे ईमेल करो, और जो भी प्राइसेस होंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे। जो 32, जस्ट सपोज आप 1 क्वेश्चन रीडिंग के लिए जाते हो, तो 32 USD है फॉर 1 क्वेश्चन, तो उसका ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट अमाउंट होगा जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में भी होगा। सो फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, अगर आप कोई रीडिंग बुक करवाना चाहते हो मेरे से। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे अभी फॉलो नहीं कर रहे, आप वहाँ पे कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, लेकिन वो इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का प्रोफाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा जुलाई का, जो कि शुरू होता है 15 जुलाई से 31 जुलाई तक। मैं स्टार्ट करूँगी रीडिंग डेक 1 से। सो देखते हैं जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है जुलाई के बाकी के महीने में। रीडिंग लाइक आई ऑलवेज से कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, तो आप मुझे जो यू नो इंटरनेशनल अगर बोलूँ उनके व्यूअर्स हैं, और अगर आप यू नो रीडिंग करवाना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ पेपॉल के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए जो है वो एक और पेमेंट मोड में अब यू नो ऑफर कर रही हूँ, जो कि ईजी पैसा के थ्रू होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं पे भी हो, तो सिर्फ पेपॉल की पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रही हूँ। अगर आप कर सकते हो पेपॉल पेमेंट, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि मेरा भी टाइम बचे और आप लोगों का भी। सो देखते हैं कि जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, आपके लिए बाकी का महीना जुलाई का कैसा रहेगा। इसमें हम लाइक आई सेड चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट, लेट्स बिगिन। Wow, Three of Cups, Justice, and the Sun. Underneath the deck, you do have the Lovers. Underneath that, Two of Swords. Underneath that, Queen of Wands. मुझे लग रहा है कि आप लोग जिन लोगों ने ये deck choose किया है, आप लोग बहुत खुश रहने वाले हो। Reason being कि आप दो चीज़ें, एक जिन लोगों ने ये deck choose किया, आप आपको आपकी लव लाइफ में एक बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ मिलेगी। स्पेशली अगर आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें आपके पर्सन के एंड से स्टक थी, तो उस सिचुएशन में आपके लिए एक गुड न्यूज़ आ रही है बाकी के महीने में, जिसकी वजह से आपकी आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई थी वो चलना शुरू हो जाएंगी। आपकी लाइफ में नॉट जस्ट लव लाइफ में, ओवरऑल आपकी लाइफ में एक मूवमेंट फॉरवर्ड आएगी। अगर आपको लगता था कि आपकी लाइफ स्टक है, वर्क अच्छा चल रहा है, सारा कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन लव लाइफ की जहाँ पे बात आती थी, मे बी आपके पार्टनर के एंड से कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, जिसकी वजह से आपको पूरी लाइफ थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस लगती थी। लेकिन इस बाकी के महीने में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, जो कि आपके स्पाउस या आपके पार्टनर की तरफ से आएगी, जो बेसिकली होगा कि आपको इस पूरी सिचुएशन में एक जस्टिस मिलेगा। कुछ
कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है ये जस्टिस जो आपको रिसीव होगा, ये आपका कोई कोर्ट केस ट्रायल चल रहा हो जिसकी वजह से आपको कोई गुड न्यूज़ आपके स्पाउस के एंड से मिलेगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने आपने डिवोर्स के लिए फाइल किया हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने बच्चों की एक कस्टडी लेने के लिए केस फाइल किया हो, कुछ लोगों के लिए उस तरह के मैटर्स भी हो सकते हैं जो कि आपके हक में, जिसका जवाब या जिसका फैसला जो है वो आपके हक में जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के एंड से एक गुड न्यूज़ मिल रही है कुछ लोगों को, लेकिन जो भी गुड न्यूज़ है वो गुड न्यूज़ है। ऐसा नहीं है कि आप डाइवोर्स नहीं चाह रहे तो आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ जो आप चाह रहे हो आपके स्पाउस के एंड से या आपके पर्सन के एंड से या आपके इंटरेस्ट आपके क्रश के एंड से, जो भी इंसान है जिसके जिससे आप कुछ चाहते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रुकी हैं, जिससे आप वो एक मूवमेंट फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको गुड न्यूज़ आपके पर्सन के एंड से रिसीव होगी, जिसके बाद आपकी आपकी लाइफ में ओवरऑल जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये सब चेंजेस लाने के लिए आपको एक या दो डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब जो डिसीजन जो आपको लेना है बेसिकली, लेट मी टेक अ क्विक क्लैरिफायर फॉर दैट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सेकेंड, होल्ड ऑन, अच्छा जो आपको जो डिसीजन लेना है जिसके बाद आपको ये चेंजेस आपकी लाइफ में नजर आएंगे, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक, आपको आपकी सेल्फ वर्थ का पता होना चाहिए ताकि आपको ये रिजल्ट मिले। जो लोग इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आप अपने पर्सन से बात करते हो लेकिन आपका पर्सन आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, या आप डिटैचमेंट में चल रहे हो या आप सेपरेशन में हो अभी, तो वो सेपरेशन जो है डेफिनेटली आपके लिए एक पॉजिटिव आउटकम लेके आ रही है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोग जो मतलब एक इंसान को प्यार करते हैं लेकिन आपको वो प्यार उनकी एंड से नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि आप अपने आप को डिटैच कर लो। आपने बहुत एफर्ट किया टू मेक दिस कनेक्शन वर्क, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और आपने जैसे ही आपने सोचा या आप सोचोगे कि मैं शायद मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या मैं मुझे और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर मतलब रब को मंजूर हुआ कि हम दोनों साथ हों तो हम साथ होंगे, लेकिन मुझे अब इस कनेक्शन के अंदर और एफर्ट नहीं डालना, तो कुछ लोगों के लिए ये होगा कि आप गिव अप करोगे इस इंसान के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर, जिसके बाद आपको वो जस्टिस जो है वो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आपको मिलेगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि उनको अपने प्यार पे यकीन है और वो चाह रहे हैं कि अब मुझे और एफर्ट नहीं डालना, मेरा पर्सन जब रेडी होगा तो वो खुद आ जाएगा मेरी लाइफ में, ठीक है। एक एक वो सेट ऑफ पीपल है। दूसरा जो मुझे सेट दिख रहा है वो मुझे लग रहा है कि आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये इंसान अब चाहिए ही नहीं है, मुझे ये इसकी वजह से मेरी लाइफ जो है वो रुकी हुई है, मुझे अब इससे डील नहीं करना, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे एक नया इंसान चाहिए जो कि रेडी हो मुझे वो कमिटमेंट देने के लिए, वो प्यार देने के लिए जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। इन दैट सिचुएशन टू मुझे लग रहा है कि जैसे ही आप एक माइंडसेट से निकल आते हो कि ठीक है नहीं हो रहा ये रिलेशनशिप वर्क तो मुझे चाहिए नहीं है बाहर में जो है मेरे एंड से, और आप मूव ऑन कर जाते हो। जब आप जैसे ही मूव ऑन करते हो आप अपने लिए मतलब जो दरवाज़ा है ऑप्शंस का वो आप खोल देते हो और आप सोचते हो कि कोई भी नया इंसान जो भी आपको वो सब दे सकता हो जो कि आप चाहते हो और आपसे शादी करे, तो आप जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हो तो पहला इंसान जो एंटर होगा वो वही शख्स होगा जिसको आप छोड़ के आगे बढ़े हो। कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन आपकी डेफिनेटली है, चाहे वो आपके यकीन के साथ आप छोड़ के आगे चल रहे हो कि हाँ ये वापस आएगा, तब भी अगर आप मूव ऑन करने की नीयत से छोड़ के जा रहे हो कि ये इंसान तो कभी बदलेगा नहीं तो मुझे मूव ऑन करना चाहिए, तब भी यही इंसान आपकी लाइफ में आएगा और इस क्लैरिटी के साथ आएगा, इस ऑफर के साथ आएगा कि उसको आप चाहिए हो। अब अगेन जो लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचते हैं इस इंसान के बारे में और चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों आगे, वो नहीं होंगी अनटिल एंड अनलेस आप डिटैच करो अपने आप को, अनटिल एंड अनलेस आप इस इंसान से दूर जाओ।
जैसे ही, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि एक डिसीजन है आपको, एक या दो डिसीजन होंगे जो आपको लेने होंगे, जिसके बाद ये खुशियाँ आपके नसीब में लिखी जाएंगी। अगर आप ये डिसीजन नहीं लेते हो, अगर आप उसी के बारे में ऑब्सेसिवली सोचते हो और उसके ऊपर चिपके रहते हो, मैसेजेस करते हो, कॉल करते हो, वो आपको स्टिल बुरे से मतलब ट्रीट करता है या करती है, तो आपके आपके लिए खुशियाँ नहीं आएंगी। आपको, आप जब तक ये डिसीजन नहीं लेते हो तब तक ये चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं आएंगी या नहीं आएंगे। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है चेंजेस मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि आपका आपका पर्सन, क्योंकि आपकी आपकी लव लाइफ स्टक है इसकी वजह से, हो सकता है कुछ बहुत बुरा हो इस सिचुएशन में उस इंसान के एंड से आपकी तरफ। हो सकता है वो बोले कि दफ़ा हो जाओ मेरी लाइफ से, मुझे नहीं बात करनी है, ब्ला 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 ब्ला। हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आप एक डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाओ और आप उसे छोड़ दो। कुछ भी हो कि मुझे लग रहा है कि आप उससे दूर जा रहे हो, चाहे वो खुशी से दूर जा रहे हो, चाहे वो कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जिससे आप दूर जाओगे, लेकिन उस दूरी का रिजल्ट इवेंचुअली पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिविटी जो इस दूरी से आने वाली है, वो आपको इसी महीने में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसी महीने में वो आपको चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए ये सब कुछ होगा, चाहे वो आप खुद से करो, चाहे वो यूनिवर्स आपसे करवाए, लेकिन ये चेंज आएगा, ये डिसीजन आप लोगे और फिर आपके लिए खुशियाँ आपकी लव लाइफ में आएंगी इस इंसान के थ्रू, जिसको आपकी जिससे आपकी बाकी लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग टैरो के थ्रू। एक और कार्ड हम ऐड करेंगे, देखते हैं कि बाकी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, उसके लिए आपकी क्या गाइडेंस है ओरेकल कार्ड्स की तरफ से। उसके बाद हम चार्म्स ऐड करेंगे, ठीक है। व्हेन आई एम इन अलाइनमेंट विद द लव ऑफ द यूनिवर्स, पीस कैन नॉट बी डिसरप्टेड। जब आप अलाइनमेंट पे होते हो ना, जो भी चीज़ आप यू नो अगर आप अलाइनमेंट में हो, इन सिंक हो प्यार के साथ, तो हर चीज़ आपके लिए जो है वो वर्कआउट कर जाती है और आपका पीस जो होता है, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए आप इतना पीसफुल हो और आपको यू नो पता है कि आपको आप जो चाहते हो इस इंसान के साथ वो आपको मिलेगा। उस यकीन की बात यहाँ पे हो रही है कि जब आपको एक यकीन है तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी और आपका पीस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, इनर पीस नहीं होगा डिस्टर्ब। आप लेकिन आपको अपनी सेल्फ वर्थ जो है वो रियलाइज़ करते हुए आप डिटैच ज़रूर करोगे, लेकिन आपको यकीन होगा कि ये इंसान आपके पास आएगा, आपको वो कहीं पे भी फियरफुल वो एक चीज़ नहीं होगी। इवन जो लोग अगेन वही बात आती है कि जो लोग फियरफुल होंगे या जिसका इनर पीस नहीं होगा, उनके लिए ये चेंजेस नहीं आएंगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका पर्सन या कुछ ऐसी बुरी सिचुएशन होती है जिसके बाद आप चॉइस मतलब आपके पास ना बचे और आपको सिर्फ इससे दूर जाना ही पड़े, तो तब आपको अपना पीस जो है मेंटेन रखना है। अगर आप नहीं रखते हो तो ये पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए नहीं आ रही। मैं बार बार कहूँगी, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप अगर डिटैचमेंट में हो, सेपरेशन में हो, जो भी चीज़ें आप दोनों के दरमियान में चल रही हैं, अगर आप ऑब्सेसिवली इस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो, सिर्फ तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, वरना नहीं आएंगे। सो कोशिश करो कि अपने आप को अलाइन रखो जो चीज़ें आप चाहते हो उसके साथ, माइंड बॉडी सोल, आपकी एक चीज़ एक बात को यू नो फोकस रखते हुए आपके साथ वर्क कर रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिमाग आपका कह रहा है कि मूव ऑन करो, दिल कह रहा है कि नहीं नहीं वेट करो इसके लिए। सो मेक श्योर कि आप बहुत क्लियर हो अपनी इंटेंशन में टूवर्ड्स दिस पर्सन, टूवर्ड्स योर लव लाइफ। जो भी चाहते हो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, ताकि आपकी लाइफ आसान रहे और चीज़ें जो है वो आपके लिए नेचुरली अनफोल्ड हो जाएं। सो लेट्स टेक सम चार्म्स नाउ, लेट्स सी कि चार्म्स क्या कहते हैं आपके लिए। अल्फाबेट में है आपके लिए एम। सो हो सकता है ये आपका नेम इनिशियल हो, नेम इनिशियल आपके पर्सन का भी हो सकता है। आपका पर्सन या आप उसको नेकलेस गिफ्ट करोगे जैसे ही आप दोनों की रिकन्सिलिएशन होती है इस महीने के अंदर। कोई नेकलेस या कोई भी गिफ्ट आप रिसीविंग एंड पे हो सकते हो और गिविंग एंड पे भी हो सकते हो, लेकिन जो भी सिचुएशन होगी आप दोनों के दरमियान में पास्ट की चीज़ें नहीं रहेंगी, क्योंकि रिकन्सिलिएशन हो ही उन लोगों के लिए रही है जो कि रेडी हैं टू वॉक इन टू द फ्यूचर टुगेदर। मतलब उन लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन नहीं हो रही है जो स्टक हुए हैं, जो ऑब्सेसिवली स्टक हैं किसी भी पास्ट की सिचुएशन में, इसी इंसान के साथ या किसी और के साथ।
अगर आप मूव ऑन नहीं किए हो, आपके लिए चेंजेस ये पॉजिटिवली नहीं आ रही। फिर से कहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है सबके साथ, एक तो वैसे भी मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन ये खुशियाँ जो मैं देख रही हूँ आने की आते हुए, वो दो लोगों के लिए हैं जो किसी मुश्किल की घड़ी की वजह से डिटैच हो रहे हैं, या वो लोग जो खुशी से डिटैच हो रहे हैं, उन दोनों के लिए होगी। लेकिन जो खुशी से डिटैच हो रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेट येस है कि आपके लिए खुशियाँ डेफिनेटली इस महीने में आ रही हैं। जो लोग दुख के साथ डिटैच कर रहे हैं अपने आप को, और उनके लिए पॉजिटिव जो है इस तरह से चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन दुख के साथ अगर आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं, मुझे अब ये इंसान चाहिए ही नहीं है, और आप रेडी हो टू मूव ऑन विद अ न्यू पर्सन, तब भी ये खुशियाँ आपके लिए हैं। लेकिन अगर आप दुख में डिटैच हो कि आप ऑब्सेसिव भी सोच उसी इंसान के बारे में रहे हो, तब ये आपके लिए नहीं आने वाला है। सो बी क्लियर कि आप कौन से सिचुएशन में हो। अगर आप रेडी हो टू मूव ऑन, तब भी ये खुशियाँ आपके लिए आ रही हैं उसी इंसान के साथ जिसको आप छोड़ के आगे जा रहे हो। अगर आप खुशी से छोड़ रहे हो, तब तो डेफिनेट येस है उन लोगों के लिए। और जो लोग किसी सिचुएशन में पड़ के इससे दूर जा रहे हैं लेकिन ऑब्सेसिव भी इसी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव नहीं है इस महीने के अंदर, फॉर श्योर। ये आपके साथ मैच नहीं करेंगे एनर्जीज। आपके साथ एक एक गाइडेंस चलेगी। अगर आपकी कोई अगर आप लकीली अगर आप कोई वर्ड्स ऐसा यूज़ कर जाते हो फाइट में, आर्ग्यूमेंट करते हुए इस इंसान के साथ, तो लकीली वो कंसील कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं से उसको एंजल प्रोटेक्शन होगी आपकी आपकी कम्युनिकेशन में इस इंसान के साथ। तो कहीं ना कहीं अगेन पास्ट का एक तो कुछ नहीं बचेगा, और अगर किसी ने किसी को कुछ हर्ट किया होगा, वो भी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। पास्ट का दोनों के दरम्यान में कुछ नहीं रहेगा जैसे ही आप इस इंसान के साथ रिकनसाइल करते हो। देयर इज अ स्ट्रांग लव बिटवीन द टू ऑफ यू। आप दोनों के दरमियान बहुत स्ट्रांग लव है जो आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसके एक कितना मजे की चीज़ है कि इस पूरे स्प्रेड में यहाँ पर एक इंसान की एनर्जीज दिख रही है मुझे, जो कि आप हो। जो आपका पर्सन है उसकी एनर्जीज नहीं दिख रही, उसके पास कोई इख्तियार या कोई भी पावर नहीं है इस पूरी सिचुएशन में, सिर्फ आपके पास है। आप डिसाइड करोगे तो पॉजिटिविटी आएगी, आप नहीं डिसाइड करोगे तो पॉजिटिविटी नहीं आएगी, आप डिसाइड करोगे तो वो इंसान भागा भागा आपके पास आएगा। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप उसको चेज़ करो या वो आपको चेज़ करे, चॉइस आपकी अपनी है। अगर आप सही डिसीजंस लेते हो, वैसा करते हो जैसा मैं कहूँ, तो आपके लिए वही रिजल्ट होगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो या चाहते हो। अगर आप बिल्कुल ऑपोजिट करो जो मैं कह रही हूँ उसके, तो आपको वो खुशियाँ नहीं मिलेंगी। मैं बहुत क्लियरली अपनी हर रीडिंग में बताती हूँ कि आपको क्या करना है इस तरह की सिचुएशन में टू गेट व्हाट यू वांट। तो आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो। अगर आपको मिली है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो फॉलो द प्रोसीजर, मुझे रीच आउट करो। पेमेंट वगैरह सारा कुछ चेक करके सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो इफ़ यू आर रेडी टू पे, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड डेक, पिंक कैंडल। देखते हैं जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए बाकी के महीने में क्या होने वाला है। बी माइंडफुल कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो और अगर आप पाकिस्तान में हो, तो आप इजी पैसे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। और अगर आप कहीं पे भी पाकिस्तान के अलावा हो, अमेरिका, यूएस, सॉरी अमेरिका, कनाडा, इंडिया, कहीं पे भी हो, तो बाकी सारे क्लाइंट्स के लिए जो है वो पेपाल पेमेंट की सहूलत या ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। उसके अलावा किसी और पेमेंट मोड से मैं पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही पाकिस्तानियों के लिए, इजी पैसा। और इंडियंस या बाकी जो इतने भी क्लाइंट्स जो बाहर कहीं पे भी रह रहे हैं, उनके लिए पेपॉल का ऑप्शन अवेलेबल है सिर्फ। सो लेट्स सी, जिन लोगों ने सेकंड डेक चूज़ किया उनकी लाइफ में क्या होने वाला है बाकी के महीने में। लेट्स बिगिन। इसमें हम ओरेकल कार्ड भी इंक्लूड करेंगे और चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। एस ऑफ वांड्स, द हर्मिट, टेन ऑफ पेंटिकल्स। आई नीड द डेक यू टू हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स। Underneath that, Two of Cups. Underneath that, the Magician. एक कार्ड मैं मिड से दूंगी, मिड ऑफ द डेक से।
जिन लोगों ने भी डेक टू चूज़ किया, मुझे लग रहा है कि आप या आपका पर्सन इस टाइम पे जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं और बाकी के महीने के अंदर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस करेगा या करेगी, इस हद तक कि उनको रियलाइज़ होगा कि उनको जो भी फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, वो प्यार मोहब्बत दोस्ती से बढ़कर है। मतलब ऐसा नहीं है कि यू नो एक कनेक्शन है जो कि सॉलिड है, स्ट्रांग है, इवन प्यार से भी ज़्यादा, दोस्ती से भी ज़्यादा। वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचेंगे, इतना ज़्यादा आपको मिस करेंगे आपका पर्सन, या आप उनके बारे में ऐसा सोच सकते हो। दोनों तरफ से एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, बट यस, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो भी हैं, जिनको आप लाइक करते हो, जिनको आप प्यार करते हो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे होंगे और चाहेंगे कि आपके साथ वो अपना फ्यूचर बनाएं, एक यू नो कनेक्शन को सॉलिड वे में आगे लेकर चलें, जहाँ पे मे बी फैमिलीज को इन्वॉल्व किया जाए, जहाँ पे एक यू नो न्यू बिगिनिंग जो है वो इकट्ठी स्टार्ट हो। लेकिन ये सब होने से पहले मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी डेक टू चूज़ किया है, अभी आप और आपका पर्सन सेपरेशन में हो, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो, या हो भी रही थी तो अब नहीं हो रही होगी। इस बाकी के महीने में आपकी बातचीत बहुत लिमिटेड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लिमिटेड, जहाँ पे आप इनसे कम बात करोगे, ये आपसे कम बात नहीं करेंगे, आप खुद खुद को इनसे थोड़ा दूर कर लोगे, और उसके बाद आपकी आपकी आपको ये ज़्यादा मिस करेंगे, आपके बारे में ये ज़्यादा सोचेंगे, आपकी यू नो आपकी एब्सेंस जो है वो बेसिकली इनको आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करवाएगी कहीं ना कहीं। इनको जो रियलाइजेशन है ऑफ दिस कनेक्शन, कि क्या कनेक्शन है, प्यार है, दोस्ती है, मोर देन फ्रेंड्स है, क्या चीज़ है, ये रियलाइजेशन इनको इस टाइम के अंदर आएगा जब ये आपसे बात नहीं कर रहे, सॉरी, जब आप इनसे बात नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनसे डिटैच्ड हो, ये रीज़न हो सकता है कि इन्होंने ही आपको खुद से यू नो दूर किया हो, लेकिन फिलहाल ये आपको आपसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपको लेकर आप यू नो आप इनको इतना नहीं सोच रहे जितना ये आपको सोच रहे हैं, आप इनके बारे में इतना यू नो लेके ऑब्सेसिव नहीं हो रहे हो अभी, ना ही इस महीने के अंदर होगी जितना ये ले आपको लेके ऑब्सेसिव हो रहे होंगे इस बाकी के महीने में। लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो भी इंसान है ना, ये इसने आपको खुद से दूर किया, लाइक यू नो एक होता है ना, आप जानबूझ के ऐसी हरकतें करो कि आप एक दूसरे एक यू नो एक इंसान से फेडअप होकर आप सोचो कि इससे अच्छा कि मैं मैं इससे अच्छा सिंगल ही सही हूँ। मतलब वो इस तरह की एनर्जी, इस इंसान ने आपको बहुत हद तक हर्ट किया, बहुत हद तक आपको खुद से दूर किया, उसके बाद जब आप दूर हो गए हो तो अब इसको वो रियलाइजेशन हो रही है कि ये मैंने खुद से यू नो मैंने एक रिलेशनशिप को, एक कनेक्शन को ख़राब किया है, और अब ये इंसान उस कनेक्शन के साथ, उस रिलेशनशिप के साथ जस्टिस करना चाहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इंसान ऐसा क्या करेगा कि रिलेशनशिप आगे बढ़े। लेट्स टेक सम क्लैरिफायर, क्योंकि ये इंसान, क्योंकि मुझे लगता है जो भी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है आप दोनों के दरम्यान में, वो इसकी वजह से हुई थी। सो अब इसको फिक्स करना चाह रहा है सारे रिलेशनशिप को, तो वो कैसे करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दूर हो चुके हो इस इंसान से ऑलरेडी। लेट्स टेक सम कार्ड्स, लेट्स सी कि ये क्या ऐसा एक्शन लेंगे जिसके बाद चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी आप दोनों के दरम्यान इस बाकी के महीने में। वाओ, द फूल पेयर ऑफ द एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो सॉलिड स्टेप ये इंसान ले रहा है। लेट्स टेक अ क्विक क्लैरिफायर फॉर हर्मिट और फाइव ऑफ पेंटिकल्स।
अगर तो इस इंसान की तरफ से हमेशा इमेच्योरिटी रही इस कनेक्शन में, वो बहुत सोच समझ के इस दफ़ा आपकी लाइफ में वापस आएगा या आएगी, जो भी है ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, या तो हो भी सकता है कि इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया हो, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी चॉइस थी या है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे. मे बी आपने ख़ुद को डिटैच किया क्योंकि आप चाहते हो कि ये आपको या तो प्रपोज़ करें तभी आप रिलेशनशिप आगे लेके चलोगे, वरना आप इससे अच्छा सिंगल हो. और कहीं ना कहीं वो चीज़ ये रियलाइज़ कर रहे हैं, और जैसे ही इनको रियलाइज़ हो जाता है इस बाकी के महीने में, ये मतलब एक सॉलिड मूवमेंट फॉरवर्ड लेके आएंगे इस कनेक्शन के लिए, और फिर आगे आप दोनों का रिलेशनशिप चलेगा. लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पूरे कनेक्शन में हो सकता है कि ये जो डिटैचमेंट है या सेपरेशन है वो इसने स्टार्ट की हो या पुश किया हो आपको कि आप इससे दूर हो जाओ. जब आप दूर हो गए हो तो ये अब आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे इनको ये रिलेशनशिप आगे लेके चलना है. देखते हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स. इनके दिल में आपके लिए हमेशा से प्यार था, लेकिन इन्होंने सप्रेस किया हमेशा. और जो भी आप दोनों के दरमियान में जो डिलेज हैं, या मतलब इनकी वजह से, आपके पर्सन की वजह से, वो इसलिए हैं क्योंकि कभी अपने इमोशंस को लेके एक्सप्रेसिव नहीं हुए. अब इनके इमोशंस, जब आप दूर हो तो इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, जो कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. और जहाँ पे आपकी बात आती है, तो आप एज अ स्ट्रांग पर्सन इनसे दूर हो चुके हो. आपकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन. अब इस सिचुएशन में अगेन मुझे लगता है कि पूरा रोल रिवर्स हो गया है यहाँ पे. जहाँ पे पहले आप थे इस इंसान को लेके, अब ये आपको लेकर होंगे. जैसे अगर ये आप आप इनके हमेशा पीछे भागते थे, लेकिन इन्होंने कभी आपको वैल्यू नहीं किया. अब आप जहाँ पे हो खुश हो, आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो. आप दो तरह से, हो सकता है आपको इस इंसान, आपको अपने प्यार पे पूरा यकीन था और आप मूव ऑन कर गए या मूव अवे कर गए इस इंसान से, ये सोचते हुए कि जब टाइम होगा तो ये खुद ही वापस आ जाएंगे. और वही हो रहा है कि जब टाइम हो गया है तो ये इंसान आपके पास वापस आ रहा है. दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मतलब जैसे अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते थे, अब भी करते हो, और लेकिन आप पहले बहुत एक्सप्रेसिव थे, अब आप एक्सप्रेसिव नहीं होगे, ये एक्सप्रेसिव होंगे. ये अगर आप पोजेसिव थे इनको लेकर, अब आप पोजेसिव नहीं होगे, ये आपको लेके पोजेसिव होंगे. पूरी सिचुएशन रिवर्स हो गई है. आप पहले जो है वो पावर में नहीं थे इस कनेक्शन को लेके, आप बहुत ज़्यादा मे बी सेंसिटिव थे, लेकिन अब ये इंसान आपको लेके सेंसिटिव होगा. पोजेसिव, ऑब्सेसिव, हर तरह से इस इंसान की एनर्जीज एग्जैक्टली वैसे हो जाएंगी या शायद उससे ज़्यादा हो जाएं जो आप की एनर्जीज होती थी इस इंसान को लेकर. तो कहीं ना कहीं पूरा रोल रिवर्सल मुझे दिख रहा है यहाँ पे. लेकिन अगेन रीज़न पता है क्या है उसकी? क्योंकि इस इंसान ने बहुत टाइम लिया टू ओपन अप, ठीक है? और ये टाइम जो इसने लिया है स्लोली बट श्योरली, इसको टाइम टू टाइम एक फीलिंग, एक गाइडेंस आई है कि मे बी आप ही हो इसका पार्टनर जो कि ऐसे इंसान के साथ रह सकता है. मे बी आपने इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, मे बी आपने इसको बहुत ज़्यादा चांसेस दिए हो रिलेशनशिप को, लेकिन इसने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया. अब जब आप दूर हो चुके हो, अब आप अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो, तब ये इंसान आपको मिस कर रहा है और ये आपके बारे में सोच रहा है कि इसने आपके साथ ही लाइफ गुजारनी है. और अब ये मेच्योरली जो है इस कनेक्शन को डील करना चाह रहा है, और आपकी तरफ ये डेफिनेटली या तो प्रपोजल लेके आ रहे हैं, या अगर आप बिल्कुल कम्युनिकेशन में नहीं हो इस इंसान के साथ, तो ये एक कम्युनिकेशन की सूरत में आपके पास आएंगे. और मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेशन लेस देन कमिटमेंट होगी. मतलब ऐसा नहीं होगा कि सोचेगा कि चलो बातचीत करके देखते हैं कैसे चलता है. इसको बहुत श्योर है, जब ये आपके पास इस महीने के अंदर वापस आ रहे हैं, इनको बहुत श्योर है इस इंसान को कि आप ही हो जिसके साथ ये अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं. ये थी आपकी रीडिंग. अब देखते हैं ओरेकल क्या गाइडेंस देता है आपके लिए बाकी के महीने में क्या होने वाला है. लेकिन ये इंसान तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जो भी ये है जिसके साथ आपका पास्ट है. और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा खासा पास्ट रहा है आपका इस इंसान के साथ. करंट पर्सन भी हो सकता है, अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप गिव अप कर चुके हो इस पर्सन के साथ, अभी आप सिंगल हो और आपको पता था या है कि जब ये इंसान शादी के लिए रेडी होगा तो ये आपके पास ही आएगा, तो वही हो रहा है.
मुझे लग रहा है आपको प्रपोज करेंगे इस महीने के अंदर। लेट्स सी ओरेकल क्या कहता है। ट्रू हीलिंग अकर्स व्हेन आई गिव माय सेल्फ परमिशन टू फील वट एवर फीलिंग्स लिव बिलो द ट्रिगर्स। मुझे लगता है कि आप कंप्लीटली हील्ड हो चुके हो, जो भी आप दोनों का पास था इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेके, आप कंप्लीटली हील्ड हो उससे, तभी आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। अगर आप वेट भी कर रहे हो इस इंसान का, तो आप पॉजिटिवली वेट करो। वैसे नहीं है कि आप पागल हो रहे हो या पैनिक कर रहे हो कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। आप बहुत ईजी होकर अपनी लाइफ में नेचुरली अनफोल्ड होने दे रहे हो चीज़ों को, और आपको पता है कि जब टाइम आएगा, जब सही वक्त होगा, तो सब चीज़ें क्लिक कर जाएंगी। आप एफर्ट नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, ये इंसान एफर्ट करेगा, क्योंकि आपने जितना एफर्ट करना था आप कर चुके हो। अब इस इंसान की बारी है टू मेक द एफर्ट इनटू दिस कनेक्शन टू ब्रिंग फोर्थ व्हाट यू बोथ वांट। इमेच्योर एनर्जी थी इनकी, लेकिन आई फील लाइक इन्हें जो भी चीज़ें रोकती थी वो अब उन चीज़ों से निकल चुके हैं। इनको डेफिनेटली ईगो इशू भी था, लेकिन जब ये आपके पास वापस आ रहे हैं, अब इनका ना तो ईगो है, ना ही ये कोई फियर है, ना ही कुछ और है जो कि इनको रोक सके। बट यस, स्ट्रांग फीलिंग इमोशन जो आपके लिए है इनके दिल में, जो कि ये अब कंट्रोल नहीं करेंगे। अब ये उसको एम्ब्रेस करते हुए आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं इस मंथ के अंदर ही। चांस देखते हैं चांस क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए, बाकी का महीना कैसा रहेगा। तीन अल्फाबेट्स हैं, क्यू वी एंड एफ। ये आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं, और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप, जैसे मैंने कहा ना कि आप जितने इनके लिए पागल थे, अब ये आपके लिए उतने पागल होंगे। कहीं ना कहीं जो इम्बैलेंस था वो वही रहेगा, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो भी लोग ये देख रहे हैं, जिन लोगों ने ये डेस्क चूज़ किया, मुझे लगता है कि इस दफ़ा अपर हैंड होने की बारी आपकी है। इस दफ़ा कंट्रोल होना इस रिलेशनशिप के ऊपर और पावर में होना, वो आपकी बारी है इस दफ़ा। और कहीं ना कहीं जिस कंडीशन में आप हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, आप इस कनेक्शन को ख़राब नहीं होने दोगे। इवन दो आपको ज़्यादा प्यार मिल रहा होगा उनसे, लेकिन आप उस प्यार को वैल्यू करोगे, क्योंकि यू हैव अर्न दिस लव। आपने बहुत एफर्ट किया था इसी प्यार के लिए, लेकिन आपको आपको था कि आपने अब एफर्ट नहीं करना, क्योंकि आपने जितना एफर्ट डाला उतना शायद कोई भी नहीं डालता। एंड दैट्स द वन थिंग विच इज़ नो, दिस पर्सन इज़ लविंग अबाउट यू। तो ये इंसान अब आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो ये देना चाहता है अपने पर्सन को। और जब इसने ये रियलाइज़ किया कि अब वो रेडी है किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, किसी भी प्यार या इस तरह की सिचुएशन के लिए, शादी के लिए, तो पहली चीज़ जो इनके दिमाग में आई, या पहला इंसान जिनके बारे में सोच सकते थे, वो आप थे, आप हो। और अब वो आपको वही प्यार, वही सब कुछ 10 फोल्ड्स में जो है वो बढ़ा कर आपको देंगे। और इम्बैलेंस पहले भी था, अब भी होगा, लेकिन जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये तो आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन आप इनको फॉर ग्रांटेड, या इनके प्यार को फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे, क्योंकि यू हैव मेड अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। आपने बहुत ज़्यादा सब्र किया, बर्दाश्त किया, वेट किया, और अब आपको वो जब चीज़ मिल रही है, तो आप उसको वैल्यू करोगे। आप इनकी तरह उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे, और सक्सेसफुली ये कनेक्शन आगे मूव करेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर रहते हो, और ये अपनी फैमिली के साथ आपको बहुत जल्दी विजिट करेंगे। बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है आपका और आपके पर्सन का, और
अगेन मुझे लगता है उन्होंने कभी ये रियलाइज नहीं किया था, लेकिन यस आई डू सी कि आपकी लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है बाकी के महीने में, और डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में प्रपोजल लेके एंटर होगा या होगी। सो ये थी आपकी रीडिंग जुलाई के बाकी महीने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपके साथ मैच की हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पेपाल के थ्रू पेमेंट अगर आप कर सकते हो तो रीच आउट करो, और अगर आप पाकिस्तान में हो तो आप इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करके रीडिंग बुक करवा सकते हो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।